है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी आ रही है आप लोगों के लिए बहुत बड़े ग्रुप की तरफ से आ रही है। ये आ रही है बेसिकली दाल भी है ग्रुप की तरफ से। ये आप लोग की वैकेंसी यहाँ पर परमानेंट जॉब रहने वाली है, साथ ही काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है। यहाँ पर ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बहुत बड़ा है इस कारण से आप लोग सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं वन बाय वन आप लोग को यहाँ पर बताऊँगी क्या आप लोग की वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, सारा क्राइटेरिया मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा या फिर अगर आपने BE किया है या फिर BTech किया है या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। स्पेशली ये जो वैकेंसी है फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है। एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग अपॉर्चुनिटी आ रखी है और फ्रेशर वालों के लिए अलग अपॉर्चुनिटी आ रखी है। तो इसीलिए वन बाय वन आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोग के लिए सारा क्राइटेरिया बताती हूँ। तो देखिए आप लोग जब यहाँ पर आप लोग को मैं दो तरीके से यहाँ पर जॉब यहाँ पर प्रेफर करूँगी। जब आप लोग यहाँ पर जो है थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग यहाँ पर तीन ये कई ऑप्शन दिखेंगे। देखिए लाइफ एंड डालिमिया, करंट ओपनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को ट्रेनिंग देखने के लिए मिल जाएंगी यहाँ पर। तो गाइज यहाँ आप लोग करियर पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल जाएगी। ट्रेनिंग पर आप लोग को ट्रेनिंग देखने के लिए मिल जाएगी, जो आप लोग की अप्रेंटिस है, इंटर्नशिप है। तो अप्रेंटिस और इंटर्नशिप में दोनों में फ़र्क होता है गाइज। अप्रेंटिस आप लोगों की जो है 1 ईयर की होती है और इंटर्नशिप आप लोगों की जो है 1 मंथ की भी हो सकती है, 2 मंथ की भी हो सकती है, 3 मंथ की भी या फिर 6 मंथ की भी हो सकती है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर जो है अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करें। साथ ही देखिए डिप्लोमा वाले हमारे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग करियर ऑप्शन पे जाएंगे तो आप लोग का एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि मैं आप लोग को स्क्रीन पर दिखाती हूँ। तो गाइस इस तरीके का आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग की जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल पोस्ट 41 जॉब ओपनिंग है। आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, सिटी और ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर जो है सेलेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई एक एक्यूरेट जॉब चाहिए तो आप लोग उसे सर्च भी कर सकते हैं कि आप लोगों को ये जॉब नहीं चाहिए इस तरीके से। यहाँ पर देखिए एरिया सेल्स ऑफिसर की जॉब आ रही है, 29 मार्च को पोस्ट आउट की गई है इस जॉब के लिए। अगर आप सेल्स में इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पर दाल में ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है, अगर सेल्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेशर एलिजिबल है, साथ ही देखिए अगर आपको पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी एलिजिबल है। ऑल ब्रांच आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग स्क्रॉल करेंगे और भी आप लोग को जॉब देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पर इंस्पेक्टर की जॉब के लिए आप लोग ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा BE BTech स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए सेल्स में देखिए जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं यहाँ पर अप्लाई सभी कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सेल्स ऑफिसर की जॉब आ रही है, यहाँ पर भी देखिए सेल्स ऑफिसर की आ रही है, 28 मार्च को पोस्ट आउट की गई है। हेड यहाँ पर जो सिविल वाले, देखिए यहाँ ओनली सिविल के लिए जो डिपार्टमेंट है सिविल वाले अप्लाई करेंगे। आप लोग का जो डिपार्टमेंट रहेगा वो देखिए डिपार्टमेंट रहेगा मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का कंस्ट्रक्शन का वर्क रहेगा तो जो हमारे सिविल वाले स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और भी अगर आप ज्वाइन यहाँ पर जो जॉब सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट मैं आप लोग को एक यहाँ पर जो है करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो अगर किसी भी जॉब के लिए आप लोग अप्लाई करना है, जैसे आप लोग को यहाँ पर अप्लाई करना मान लीजिए सिविल वाली जॉब के लिए, ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से करेंगे। और हाँ ये ध्यान दीजिए चाहे आप टेक्निकल है नॉन टेक्निकल, आपको इसी तरीके से अप्लाई करना हो इसके बारे में यहाँ से जान सकते हैं। जब जैसे ही आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर तो आप लोगों को इसके बारे में बाकी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। देखिए यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसे ही आप लोग सभी जॉब्स के बारे में देख सकते हैं। अप्लाई बिफोर, कितने तारीख से पहले अप्लाई करना है, आप लोग को 4 अप्रैल से पहले पहले अप्लाई करना है, टाइम आप लोग को दिया गया है तो इसीलिए 4 अप्रैल से पहले पहले अप्लाई कर दें यहाँ पर। साथ ही आप लोग को जो जॉब आइडेंटिफिकेशन देखा, पोस्टिंग डेट देखिए किस डेट को पोस्ट की गई है, शिफ्ट आप लोग की डे रहेगी, फुल टाइम जॉब रहेगी, आप इसे पार्ट टाइम नहीं कर सकते। इस वैकेंसी के लिए ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी और भी जो जॉब दे रखी है उनके लिए आप लोग ओपन कर करके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं अप्लाई करके बता देती हूँ आप लोग को यहाँ से अप्लाई करना है। अगर आपको और भी दूसरी जॉब देखनी है, जैसे मान लीजिए आपको सेल्स में जाना है तो सेल्स के आप लोग यहाँ पर ओपन करके देखेंगे तो आप लोग को सेल्स के बारे में यहाँ पर काफ़ी डिटेल मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर भी देखिए अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, इसी से सिमिलर जॉब आप लोग को और यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को एक जॉब यहाँ पर सिविल वाली अप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो आप लोग यहाँ पर इसे अप्लाई करेंगे, यहाँ से अप्लाई नाउ
पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग की ईमेल आईडी डालनी होगी। जैसे ही आप लोग ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे तो आप लोग को करना होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप लोग का जो कोड है ओटीपी आप लोग का ईमेल पर पहुँच जाएगा, जो आप लोगों ने ईमेल डाली होगी यहाँ पर, उस ईमेल को यहाँ पर डाल देना है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई कर देंगे। जब वेरीफाई ये हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग की वही जॉब अगेन शो होने लग जाएगी। यहाँ पर देखिए आप लोग का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। फॉर्म में आप लोग को यहाँ क्या करना है, अप्लाई करना है। लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं या फिर मैनुअली। तो आप लोग को यहाँ पर अपना नेम डालना होगा, अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, लास्ट नेम डालना होगा, टाइटल डालेंगे, उसके बाद मिडिल नेम, देन आप लोग को अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालेंगे, जेंडर डालेंगे और यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस, इसी तरीके से अपने आधार कार्ड, और आधार कार्ड यहाँ पर जो अपलोड भी करना होगा, एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद आप लोग कर देंगे नेक्स्ट। जब आप लोग नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पर आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से पूछ रहा, डू यू हैव लीगल परमिट, मतलब आप लोगों के पास कोई परमिट है या नहीं इंडिया से बाहर जाने का। तो अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। आर यू यहाँ पर फेसिंग एनी, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोर्ट वगैरह, मतलब आपका कोर्ट वगैरह कोई लफड़ा तो नहीं है ये सब, तो आप लोग नो कर देंगे। हैव यू बीन, यहाँ पर भी देखिए नो कर देंगे। मैं यहाँ पर नो नो कर रही हूँ, वहाँ पर नो करना है, और यहाँ भी आप लोगों को यहाँ पर देखिए करना है नो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। बट अगर आपके पास यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर जैसे आप लोग के पास वीज़ा वगैरह है तो आप लोग यहाँ पर यस कर सकते हैं, वीज़ा वगैरह है तो फिर आप लोग कर देंगे यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस, ऐड एजुकेशन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे, एजुकेशन अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, एजुकेशन ऑनली ऑन यहाँ पर डाल देंगे। देन आप लोग करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद देखिए कवर लेटर और रिज्यूम अपलोड करा रहा है, उसके बाद कर देंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लाइसेंस है तो लाइसेंस डाल देंगे, वर्क एक्सपीरियंस है तो डाल देंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर सबमिट कर देंगे और सिग्नेचर भी यहाँ पर डाल देंगे, लैंग्वेज डाल देंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोग का सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को फॉर्म फिलअप करना, फॉर्म फिलअप होने के बाद आप लोग का यहाँ पर फॉर्म फिल हो जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर आप लोग नहीं जुड़े हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पर मैं इसी प्रकार की आप लोगों को अपडेट देती रहती हूँ, वहाँ पर ज़रूर से ज्वाइन हो जाइए। तो गाइस यहाँ आप लोग को ये जो लिंक है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कहाँ पर मिलेगी। ये जो लिंक है आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो वहाँ पर आप लोग जब कवर लेटर करेंगे तो कवर लेटर देखिए, कवर लेटर में अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, अपना नेम डालेंगे वहाँ पर। कवर लेटर सभी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपना नेम डालेंगे, ब्रांच नेम डाल देंगे और कॉलेज नेम डाल देंगे वहाँ पर अपना, जो आपका बैच है जो भी है, जो भी 2022 है 21 है यहाँ पर सभी एलिजिबल हैं, ऑल ब्रांच एलिजिबल है, तो वो डाल देंगे। इस तरीके से डालने के बाद आप लोग उसे कर लेंगे यहाँ पर हैंड राइटिंग में, आप लोग अपने नोटबुक पर लिख लेंगे और उसे पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तब आप लोग को वहाँ पर अपलोड करना है और रिज्यूम भी इसी तरीके से अपलोड करना है। तो जिस भी वैकेंसी के लिए आप लोग अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रिज्यूम बना लें।